हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ शमशेर, पीजीटी मैथ्स. बेटा, 11th क्लास में हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, लेनियर इनइक्वालिटीज. इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा 8th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे. अब 9th क्वेश्चन में देखिएगा, इन इक्वेशन दी हुई है 5x/2 + 3x/4 ग्रेटर देन 39/4. लेफ्ट हैंड साइड में आप एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, यहाँ पे हो जाएगा 10x + 3x ग्रेटर देन ये एज इट इज है. दोनों तरफ मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. आप अच्छी तरह जानते हैं, जब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता, और जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो साइन चेंज हो जाएगा. तो 4 पॉजिटिव, बेटा 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 13x > 39. अब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 भी तो पॉजिटिव है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा. x > 3, इट मीन्स x बिलोंग करेगा 3 to इन्फिनिटी. ओपन इंटरवल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर साथ इक्वालिटी का सिंबल नहीं है. इसका सेकेंड पार्ट आपके पास है 4 + 2x / 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x/2 - 3/1. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, राइट हैंड साइड से एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x - 6. अब 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, इसलिए दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया. ठीक है, तो बेटा 3 से जब कैंसिल करेंगे आप 6 को तो आ जाएगा 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना 8 + 4x. यहाँ पर 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3, 3 को अंदर करेंगे तो 3x - 18. अब आपके पास हो 4x - 3x > −18 - 8, ये हुआ x > = −26, तो x बिलोंग करेगा −26 to इन्फिनिटी. क्लियर है? इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में. थर्ड पार्ट बेटा आपके पास क्या दे रखे है, 3 × x - 2 / 5 > 5 × 2 - x / 3. पहले तो यहाँ पर आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इधर से 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें. अब डिनोमिनेटर में 5 और 3 है, 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15, इसलिए मैंने दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब बेटा 5 से 15 को कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x - 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से कैंसिल करेंगे 5 हो जाएगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 - 25x. अब आप वेरिएबल की टर्म एक तरफ कर रहे, कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ कर दें, 9x + 25x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 + 18 हो जाएगा. इधर ये हो गया 34x > 68. 34 से डिवाइड करेंगे, 34 तो पॉजिटिव है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, x > ≥ 2. फोर्थ पार्ट है 3x - 4/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1/4 - 1. 3x - 4/2 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा x + 1 - 4. 2 और 4 का एलसीएम 2 होता है, इसलिए दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है. अब यहाँ तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x - 8 राइट एज इट इज है. अब वेरिएबल्स की टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ कैलकुलेट करेंगे तो बेटा x > ≥ 1, यानी कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, इट मीन्स 1 to इन्फिनिटी बिलोंग करेगी. अब चलते हैं 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में. 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दो दो इन इक्वेशंस दे रखे हैं बेटा, तो दोनों को सोल्व करेंगे और लास्ट में रिजल्ट होगा जो दोनों का कॉमन होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा. देखिए फर्स्ट इन इक्वेशन है 4x / 3 - 9/4 < x + 3/4. अब 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को करेंगे तो 16x - इसे डिवाइड करेंगे 3, 3 को 9 से करेंगे 27 < एलसीएम आ जाएगा 4, ये हुआ 4x + 3. अब 12 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 होता है, इसलिए दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है. यहाँ पर कैलकुलेशन भी की है और दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई भी किया गया है. क्लियर है? तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा 16 - 27. 12 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे 3, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 12x + 9. 16x - 12x < 9 + 27 ये हो जाएगा 4x < 36, x < 9. जब आप सेकेंड इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इधर से एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x - 2. बीच में माइनस है, आप यहाँ गलती कर सकते हैं,
बेटा 6 से डिवाइड करेंगे, 1 1 को इससे मल्टीप्लाई करें लेकिन बीच में माइनस है, इसलिए ये माइनस 7x माइनस 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स बाई 1। अब 6 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 6, दोनों तरफ आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ तो आपके पास हो जाएगा 7x माइनस 4 ग्रेटर देन 6x, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 क्या है पॉजिटिव, और जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो बेटा अब वेरिएबल्स के टर्म एक तरफ कर देंगे, 7x माइनस 6x ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4। अब देखिए यहाँ पर तो x 4 से ग्रेटर है और यहाँ पर x 9 से लेस है, इट मीन्स x 9 और 4 के बीच में है, ये बेटा सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन दो इन इक्वेशंस का वो होता है जो उनका कॉमन हो, जो उनका इंटरसेक्शन, क्लियर है। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, देखिएगा इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है देखिए, वी हैव माइनस 2 माइनस एक्स बाई 4 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 3। एक तो इनिक्वेशन बेटा ये है और दूसरी इनिक्वेशन आपके पास दे रखी है 3 माइनस एक्स लेस देन 4 इंटू एक्स माइनस 3, ये सेकेंड है। दोनों को सोल्व करते हैं, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4, ये हुआ माइनस 8 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 3। अब आप 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों तरफ जब 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 3 जा 12, 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 प्लस 4x। अब x x की टर्म जब आप एक तरफ लेंगे माइनस 3x माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 24, ये हो जाएगा माइनस 7x लेस देन इक्वल टू 28। अब माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 7 क्या है नेगेटिव, और जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4, ऐसा हो जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा माइनस 4 टू इन्फिनिटी, क्लियर है। अब चलते हैं इधर, इसको जब आप सोल्व करोगे तो 3 माइनस एक्स लेस देन 4x माइनस 12, एक्स एक्स की टर्म जब आप एक तरफ करेंगे माइनस एक्स माइनस 4x लेस देन माइनस 12 माइनस 3 हो जाएगा। अब ये आपके पास हुआ माइनस 5x लेस देन माइनस 15, अब आप माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, इट मीन्स x बिलोंग करेगा 3 टू इन्फिनिटी। देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से जब आप देखोगे तो x बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन से यानी कि कॉमन, तो ये तो है माइनस 4 टू इन्फिनिटी और इंटरसेक्शन ये आपके पास है 3 टू इन्फिनिटी, तो कॉमन क्या होगा 3 टू इन्फिनिटी होगा, इट मीन्स x बिलोंग करेगा 3 टू इन्फिनिटी। रटने की जरूरत नहीं बेटा, लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं, ये लाइन है, ये लाइन पे यहाँ पे होता है माइनस 4 या होता है 3, एक तो माइनस 4 या उससे बड़ा, एक बेटा 3 से बड़ा, तो कॉमन क्या रहेगा 3 से बड़ा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन वो होता है जो दोनों का इंटरसेक्शन हो, क्लियर है। तो रिजल्ट है वो आपके पास हो जाएगा बेटा 3 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इसके बाद चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में, देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, वी हैव 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन 3, ये तो है फर्स्ट इनिक्वेशन। और सेकंड आपके पास क्या दे रखी है, सेकंड दे रखी है x माइनस 4 अपॉन माइनस 3 लेस देन 2, ये सेकंड इनिक्वेशन है। अब दोनों को आप सोल्व करते जाइएगा, दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 12, अब 2x ग्रेटर देन 12 माइनस 3, इट मीन्स 2x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 9, क्लियर है। और बेटा x इज ग्रेटर देन 9 बाई 2,
इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा 9/2 टू इन्फिनिटी। अब चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन -6। अब -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, -6 से +4। इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन -2, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा -2 टू इन्फिनिटी। अब बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों से सॉल्यूशन होगा जो दोनों का कॉमन हो। एक्स बिलोंग करेगा 9/2 टू इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन -2 टू इन्फिनिटी, तो बेटा इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा 9/2 टू इन्फिनिटी। ये बेटा आपका रिजल्ट है थर्ड पार्ट में, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 11th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, वी हैव एक्स +3 डिवाइडेड बाई एक्स -2। सारे के सारे पार्ट बेटा बिल्कुल सेम है, मैं इनमें से एक पार्ट कर देता हूँ, बाकी पार्ट आप खुद ब खुद कर सकते हो, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक लास्ट पार्ट और करवा देंगे आपको, ठीक है। देखिएगा, एक्स +3 अपॉन एक्स -2 लेस देन और इक्वल टू 2, और आगे ये बता रखे है कि एक्स की वैल्यू 2 नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू 2 होगी तो बेटा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और बेटा समथिंग अपन 0 नॉट डिफाइन होता है। सबसे पहले इस 2 को आप यहाँ लेकर के आइए, एक्स +3 डिवाइडेड बाई एक्स -2 -2/1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब बेटा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा एक्स -2, तो आपके पास हो जाएगा एक्स +3 -2x। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा -2 से तो -2x और +4 लेस देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स -x +7 डिवाइडेड बाई एक्स -2 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा ये नंबर लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 जब होगा जब न्यूमरेटर 0 है, लेकिन लेस कब होगा, जब न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर नेगेटिव, और न्यूमरेटर नेगेटिव तो डिनोमिनेटर क्या होगा पॉजिटिव। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो एक्स -2 है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होना एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है तो पॉजिटिव है, और एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है तो नेगेटिव है। अब हम दोनों तरफ एक्स -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल कन्फर्म होने चाहिए कि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नेगेटिव, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होगा, क्लियर है बेटा। अब यहाँ से दो केस होंगे, देखिए केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में बेटा जो डिनोमिनेटर है उसको हम पॉजिटिव मान करके चलते हैं, एक्स -2 इज पॉजिटिव, जीरो तो हो ही नहीं सकता डिनोमिनेटर, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो होते तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। देन तो बेटा आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। देन -x +7 लेस देन और इक्वल टू 0, क्लियर है। इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड -x इज लेस देन इक्वल टू -7। इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, और बेटा एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा 2 टू इन्फिनिटी, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और यहाँ पर है बेटा 7 टू इन्फिनिटी, तो कॉमन क्या रहेगा 7 टू इन्फिनिटी रहेगा। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा 7 टू इन्फिनिटी, ये लाइन है, इस लाइन पर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 7 है, एक तो 2 टू इन्फिनिटी एक 7 या 7 टू इन्फिनिटी, तो बेटा कॉमन कौन सा रहा 7 टू इन्फिनिटी रहा, ये था। इसके बाद केस सेकंड, सेकंड केस के अंदर हमने एक्स -2 को नेगेटिव मान लिया,
और जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस सेवन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, साइन चेंज होगा जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब इसका मतलब एक्स इज लेस देन टू एंड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सेवन, इट मीन्स एक्स इज लेस देन टू एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन, क्योंकि मैंने दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस वन से जो ही मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब एक्स टू से छोटा, इट मीन्स एक्स बिलोंग करता है टू टू इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन सेवन टू, सॉरी बेटा टू से लेस है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से टू, माइनस इन्फिनिटी से टू, और यहाँ पर बेटा माइनस इन्फिनिटी से सेवन, सेवन इंक्लूड है। अब आप साइड में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे टू, यहाँ पे सेवन, एक तो टू से लेस, एक सेवन या सेवन से लेस, तो बेटा कॉमन कौन सा हुआ, टू से लेस हुआ, इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से टू। ठीक है, अब बेटा या तो केस फर्स्ट या केस सेकंड, क्योंकि या तो ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है, तो इट मीन्स यहाँ पर तो बेटा एक वर्ड लगे है आइदर, और यहाँ पर बेटा वर्ड लगे है और, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर के दो केस लिए हैं, या तो वो पॉजिटिव का या वो नेगेटिव का, और का मतलब क्या होता है बेटा, यूनियन। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन सेवन टू इन्फिनिटी, ये बेटा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके सारे के सारे पार्ट बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे चलते जाएंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करके बताता हूँ, देखिएगा। फोर्थ पार्ट में बेटा पहले एक को लेकर के चले आप, दूसरे को मिक्स ना करें। वी हैव एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू टू, क्लियर है। अब आप दोनों तरफ x माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि x माइनस टू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्लियर है। तो इसलिए बेटा पहले तो आप 2 को इधर लेकर के आइए, x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई x माइनस टू, माइनस टू बाई वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x माइनस टू, आपके पास हुआ x प्लस थ्री माइनस टू एक्स प्लस फोर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू टू नहीं है, अगर एक्स की वैल्यू टू होगी तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो होती है नोट डिफाइन हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस टू के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसलिए दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, डिनोमिनेटर एक्स माइनस टू को हमने पॉजिटिव मान लिया, जब ये पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, देन माइनस एक्स प्लस सेवन लेस देन और इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन टू एंड माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस सेवन, इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा टू टू इन्फिनिटी एंड एक्स, अब माइनस से माइनस हटाओगे साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन, क्लियर है। दैट इज एक्स बिलोंग करेगा सेवन टू इन्फिनिटी, और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, एक्स बिलोंग करेगा टू टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन सेवन टू इन्फिनिटी, तो कॉमन क्या आएगा, सेवन टू इन्फिनिटी आएगा, सेवन टू इन्फिनिटी, ये आपके पास कॉमन हो जाएगा। इसके बाद केस सेकंड, सेकंड केस में हम डिनोमिनेटर को नेगेटिव लेकर चलते हैं, x माइनस टू नेगेटिव है
और जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन है वो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स इज लेस देन टू एंड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सेवन। अब एक्स इज लेस देन टू एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन, दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, आप एक ही बात बस विशेष ध्यान रखें कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से टू, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और बेटा यहाँ होगा माइनस इन्फिनिटी टू सेवन। अब दोनों को बेटा जब आप कॉमन देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से टू कॉमन रहेगा। आप लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था माइनस इन्फिनिटी से टू। अब बेटा या तो केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड, क्योंकि जो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या तो वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो बेटा यहाँ तो एक वर्ड लगेगा आइदर, और बेटा यहाँ पर एक वर्ड लगेगा और, ठीक है? और आइदर और का मतलब होता है बेटा यूनियन। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन सेवन टू इन्फिनिटी। फर्स्ट इन इक्वेशन को सोल्व कर दिया, इसको नंबर एक डाल करके आप छोड़ दें। इसके बाद चलते हैं सेकंड में, ये थी फर्स्ट इन इक्वेशन। इसके बाद सेकंड इन इक्वेशन क्या है देखिए, एंड टू एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सेवन ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। सबसे पहले आप थ्री को लेफ्ट में ले आइए, टू एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सेवन माइनस थ्री को थ्री बाई वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ से एलसीएम आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस सेवन, तो आपके पास हुआ टू एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सेवन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब आप एक्स प्लस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, और इसमें एक्स की वैल्यू माइनस सेवन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर एक्स माइनस सेवन हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इसलिए, ठीक है? अब बेटा इसको जब आप सोल्व करेंगे तो x प्लस सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दो केस है। केस फर्स्ट के अंदर बेटा x प्लस सेवन को आपने पॉजिटिव मान लिया, और पॉजिटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। माइनस एक्स माइनस सिक्सटीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन माइनस सेवन, और देन मीन्स होता है बेटा एंड, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटीन। इट मीन्स बेटा x बिलोंग करेगा माइनस सेवन से बड़ा, यानी कि माइनस सेवन टू इन्फिनिटी, एंड या माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू माइनस सिक्सटीन हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, तो माइनस सिक्सटीन या उससे छोटा। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्सटीन। क्लियर है? अब दोनों का जब आप कॉमन करेंगे तो इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा माइनस सेवन से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्सटीन। अब बेटा आप लाइन ड्रॉ करके देखना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्सटीन और माइनस सेवन से इन्फिनिटी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू फाइव, इस केस में एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। दिस इम्प्लाइज दैट नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम सेकेंड केस में चलते हैं। केस सेकंड में बेटा हम डिनोमिनेटर को नेगेटिव मानकर चलते हैं। एक्स प्लस सेवन नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स
आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस सिक्सटीन, माइनस एक्स माइनस सिक्सटीन लेस देन और इक्वल टू जीरो। साइन चेंज हो गया, साइन चेंज क्यों आ, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है बेटा, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इट मीन्स एक्स इज लेस देन माइनस सेवन। क्लियर है? देन मीन्स होता है एंड, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्सटीन, इट मीन्स एक्स इज लेस देन माइनस सेवन एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, क्योंकि दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साइन चेंज हो गया। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेवन इंटरसेक्शन माइनस सिक्सटीन से इन्फिनिटी। क्लियर है? अब आप बेटा जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लाइन है, लाइन पे यहाँ पे माइनस सिक्सटीन होगा, यहाँ माइनस सेवन होगा, ये तो है माइनस सिक्सटीन से इन्फिनिटी और ये है माइनस इन्फिनिटी से सेवन, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा बेटा एक्स बिलोंग करेगा माइनस सिक्सटीन से माइनस सेवन, माइनस सेवन इंक्लूड नहीं है, माइनस सिक्सटीन इंक्लूड है, ये तो माइनस सिक्सटीन से इन्फिनिटी था, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेवन था, कॉमन क्या रहेगा, यही कॉमन होगा भाई। ठीक है, तो और वो नल था तो, और बेटा यहाँ भी आइदर और का केस ही चलेगा, आइदर या तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या डिनोमिनेटर नेगेटिव है। ठीक है, तो इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा माइनस सिक्सटीन से माइनस सेवन, इसको नंबर डाल दीजिए सेकंड। अब दो इनिक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है जो दोनों का कॉमन हो। ठीक है बेटा, तो दोनों को अब हम इंटरसेक्ट करेंगे, दो इनिक्वेशंस का सॉल्यूशन वो होता है जो इसकी बेटा नल सेट के साथ यूनियन की गई है। ठीक है, तो यही रहेगा। अब बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्स बिलोंग करेगा, ये तो आपके पास था माइनस इन्फिनिटी से टू, माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन सेवन टू इन्फिनिटी। क्लियर है? और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, माइनस सिक्सटीन से माइनस सेवन, इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे। अब आप रटने की जरूरत नहीं, देखिए लाइन ड्रॉ कीजिए, ये लाइन है, इस लाइन पे माइनस, यहां पे तो है माइनस सिक्सटीन, यहां पे है माइनस सेवन, यहां पे है टू और यहां पे है सेवन, ये तो था माइनस इन्फिनिटी से टू, माइनस इन्फिनिटी से टू, टू इंक्लूड नहीं है, सेवन इंक्लूड है से इन्फिनिटी, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है माइनस सिक्सटीन से माइनस सेवन, माइनस सेवन इंक्लूड नहीं है सेकंड का, ये सॉल्यूशन है। अब दोनों का जब आप कॉमन करेंगे तो आपके पास कॉमन क्या आएगा, माइनस सिक्सटीन से सेवन हो जाएगा। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा माइनस सिक्सटीन से माइनस सेवन, ये बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, उसके आप दो पार्ट कर लेना। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न, इसमें ऑलरेडी दो पार्ट कर रखे थे, उसमें दो पार्ट आप कर लेना, एक बार तो फर्स्ट और सेकेंड को, एक बार सेकेंड और थर्ड को। फिफ्थ पार्ट, फोर अपॉन एक्स प्लस वन, 4 अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू 3, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6 अपॉन एक्स प्लस वन,
ये सेकंड हो जाएगा। और दोनों में एक बात ध्यान रखना कि x पॉजिटिव है, वेयर x इज ग्रेटर देन जीरो। अब x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो आप दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दें, जब दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 3। यहाँ भी आप दोनों तरफ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब x पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो गया भाई, तो आपके पास हो जाएगा 3x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 6। अब आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 3। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस 3x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और ये आपके पास हो जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ माइनस 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब x 1/3 से बड़ा है और 1 से लेस है, यहाँ तो x बिलोंग करेगा 1/3 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1। अब आप लाइन के ऊपर जब देखेंगे तो बेटा दोनों का इंटरसेक्शन कर देना, इट मीन्स x बिलोंग करेगा 1/3 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से 1। तो कुल मिलाकर के बेटा x कहाँ बिलोंग करेगा, 1/3 से 1 पे बिलोंग करेगा। बस बेटा यही आपके पास है आंसर है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।